नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब आज का विषय वस्तु जो है उसको चर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग होम्योपैथिक के माइंड मेथड पर चर्चा करते हुए एक केस के माध्यम से दो रूब्रिकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि और अच्छे से उत्साहित होकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक रोगी जिसको पैर के घुटने में, दाएं घुटने में दर्द था, वो कुछ दिनों से दवा खा रहा था, लेकिन उसका दर्द में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत होता था लेकिन उतना कोई खास सुधार नहीं था। तो एक दिन मैंने पूछा कि अरे भाई, जब आपको सुधार नहीं हो रहा है तो दवाई क्यों खा रहे हैं, किसी दूसरे डॉक्टर के पास दिखाइए। तो वह बोलता है कि दूसरे के पास जाऊंगा तो क्या जरूरी है कि ठीक हो जाए, और कुछ गड़बड़ हो सकता है, आपके पास तो तैयो थोड़ा बहुत कुछ सुधार हो रहा है, उसके पास जाने से और यदि केस खराब हो जाए तो क्या करेंगे। तो इसी भर्सन को चलिए अब देखते हैं कि इस भर्सन पर कौन कौन से रूब्रिक लिया जा सकता है और क्या दवाई दी जा सकती है। तो देखिए, उसको लाभ नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी वो दवाई कंटिन्यूअस खाया जा रहा था हमारे पास। तो इसका पूछने पर क्या बोला, बोला कि आपके पास से थोड़ा बहुत तो लाभ मिल रहा है लेकिन दूसरे के पास जाएंगे तो क्या जरूरी है कि सुधार हो ही जाएगा, और केस यदि खराब हो जाए। तो इसके भर्सन पर दो रूब्रिक का चुनाव किया गया। एक है फियर बिट्रेड ऑफ बींग, फियर बिट्रेड ऑफ बींग, माइंड चैप्टर का है फियर बिट्रेड ऑफ बींग। अच्छा, दूसरा हुआ माइंड रिमेन इन बेड डिजायर टू, दूसरा हुआ माइंड बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू। यही रूब्रिक के आधार पर उसको हायोसामिस दवा दी गई और उसके दर्द में राहत मिला, उसका दर्द ठीक हुआ। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि फियर बिट्रेड ऑफ बींग क्या है। फियर माने तो समझ रहे हैं कि भविष्य में कुछ खराब हो जाने की डर, आशंका, ये हो गया फियर। और बिट्रेड, बिट्रेड माने क्या है, बिट्रेड में है एक तरह से धोखा, धोखा ना हो जाए, वैसा यदि करेंगे दूसरे के पास में जाएंगे तो और खराब न केस हो जाए, उसको बिट्रेड का फीलिंग है, धोखा हो जाने का भय है। माने जो हमारे पास तनी मनी जो सुधार हो रहा है ये भी न खत्म हो जाए, जो हमारे पास है वो भी न खत्म हो जाए, ये उसको लग रहा है। अच्छा, ये हो गया फियर बिट्रेड ऑफ बींग। और दूसरा है बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू। बेड क्या है, बेड एक सिक्योरिटी जोन है, सिक्योरिटी जहां व्यक्ति आराम करता है, आराम करने की अवस्था, आराम करने का जगह, आराम करने का एरिया, आराम आरामदायक चीज जहां पर उसको आराम महसूस हो, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। माने बेड को छोड़ना नहीं चाहे, जहाँ से उसको आराम मिल रहा है, अब यहाँ से उसको थोड़ा बहुत आराम मिल रहा था, तो इस चीज़ को जहाँ से उसको आराम मिल रहा है
जिस जगह से, जिस चीज से, जिस व्यक्ति से उसको आराम मिलना मिलता है, उसको वह छोड़ना नहीं चाहता है। यही दो ठो माइंड रूब्रिक के आधार पर उसको हाई ऑफ साइमस दिया गया और उसका दर्द में राहत मिला, सुधार हुआ, ठीक हुआ। तो यही हुआ बेड रिमेन इन डिजायर टू एंड फियर बिट्रेड ऑफ मी। आगे आने वाले वीडियो में फियर बिट्रेड ऑफ बींग को और बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल पर बने रहिए और आगे वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। जो लोग मेरा दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नए केस को लेकर के। नमस्कार।